तहसील सहावा के इलाके रोक अम में निजी गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने दो घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, तहसील सहावो के इलाके ढोकम में निजी कंपनी के गोदाम में अचानक से आग भड़क उठी। हर तरफ धुआं छा गया था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दो घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की टीमों ने पहुँचने से पहले मुकामी अफराद ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन काबू ना पा सके थे। मज़ीद अपडेट करें तो आपको बताएँ, आग काबू पाने और कूलिंग में 5 घंटे लगे हैं। रेस्क्यू का कहना था कि आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा है। ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। गोदाम में रखे डायपर्स और कॉस्मेटिक का सामान जलकर खाकसर हो गया है। एक ज्यादा देर रहने की वजह से इमारत में दरारें भी पड़ गई हैं और आग लगने की वजह से ताहाल मालूम ना हो सकी है और आग इमारत के बेसमेंट में मौजूद गोदाम में लगी है। जबकि गोदाम के मालिक ने बताया है कि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है और हम कॉस्मेटिक अशिया सप्लाई करते हैं और हम इधर मौजूद नहीं थे। ऊपर वाले फ्लोर पर रिहाइश है। जबकि धुआं निकला तो घर वालों ने कॉल करके बताया कि आग लग गई है।